नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं डाक बंगला चौराहे पे। यहां देखिए जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव चाइनीज सामानों की को जो है बहिष्कार करने के लिए पहुंचे हैं। ये जो जगह है यहां पे चांदनी मार्केट कहलाता है, यहां पे चाइनीज सामानों का बड़े पैमाने पे जो है बिक्री होती है, ज़्यादातर दुकान जो है इसी का है। सर, ये जो सामान के बाहर के लिए चाइना के द्वारा जो प्रोडक्ट है, जो भी सामान हिंदुस्तान में लगभग 350 प्रोडक्ट है, जो भारत में कुछ ऐसे दलाल हैं जो चाइना और चाइनीज के कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ावा दे रहा है। चाइना आग दिखा करके भारत से सौदा करती है। जो हालात चाइना ने लगातार डराने की कोशिश डोगला में भी, दुकान में जाएंगे और क्या करेंगे? सर, मैं हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ कि आप चाइना का कोई सामान नहीं बेचे। चलेंगे, हम जाएंगे, सबसे अपील करेंगे कि चाइना का कोई सामान आप नहीं बेचे। चाइना ये पहले जब तक लिखित नहीं देता है कि कभी भी वो भारत के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा, विदेश नीति पर वो कभी भी बिना भारत के पॉलिसी के बगैर वो बात नहीं करेगा, चाइना कभी भी अपनी जबरदस्ती धमकी के द्वारा भारत की पॉलिसी, आज 56 इंच की बात हम नहीं करेंगे। हम आज देश को एक देखना चाहते हैं। हम मोदी जी से पूछेंगे कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगा जल्दी, क्या चाइना, नेपाल और बांग्लादेश को जवाब दिया जाएगा? क्या हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से चाइना ने बिहार रेजिमेंट के लगभग नौजवानों का कत्लेआम कर दिया, क्या कारण है कि 16 घंटे से छुपाया गया इस बात को? क्या कारण है? पूरा भारत जानना चाहती है कि हम क्या छुपा रहे हैं, हमारे कितने सैनिक मारे गए। और यदि आप चाइनीज सामान का विरोध नहीं करेंगे, इसको नहीं रोकेंगे, विरोध किस रूप में करेंगे? विरोध दुकानदार से आग्रह किया, मेरा आग्रह है। आप कुछ ये बताइए, आप यहाँ पर आए हैं लोगों को बंद करवाने की चाइनीज सामान के लिए, दुकानदारों से क्या आग्रह कर रहे हैं? तो आप देख सकते हैं पप्पू यादव यहाँ चांदनी मार्केट के तमाम दुकानों में जाकर जो है उनसे चाइनीज सामान नहीं बेचने की अपील कर रहे हैं। अपनी वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि आप चाइनीज सामान का बहिष्कार करें। आप देखिए किस तरह से पप्पू यादव गुलाब का फूल हाथ में लेकर, बैनर लेकर तमाम दुकानदारों से कह रहे हैं कि आप चाइनीज सामान का बहिष्कार करें। इस तरह से वो इस मार्केट के एक एक दुकान में पहुंचकर चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, आइए देखिए किस तरह से पप्पू यादव जो है यहाँ चांदनी मार्केट के दुकानदारों से जो है वो चाइनीज सामान नहीं बेचने की अपील कर रहे हैं। ये चांदनी मार्केट में ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो चाइनीज सामान यहाँ मोबाइल से लेकर और तमाम तरह की चीज़ें जो है यहाँ बेची जाती है। और क्या कहा पप्पू जी ने, क्या कहा आप लोगों ने? यही कि चाइनीज सामान ना बेचें, यही कि चाइनीज सामान ना बेचें। आप लोगों ने क्या बोला? ओके, अभी जिस तरह से सैनिक शहीद हुए हैं तो ये सही वक्त है कि चाइना को जवाब देने का? बिल्कुल सही वक्त है। तो आप ही की दुकान है? नहीं, दुकान पर दुकान के मालिक आगे हैं, आगे वाले शॉप हैं जी। तो पप्पू यादव लगातार लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो है चाइना के सामान नहीं बेचे। ये देखिए ये सब ये दुकानें हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक्स की मोबाइल की दुकानें हैं जहां चाइनीज मोबाइल बेचे जाते हैं। और इसीलिए इस मार्केट को चुना गया है, इसीलिए पप्पू यादव ने इस मार्केट को चुना है विरोध जताने के लिए और चाइना को
जवाब देने के लिए कि आप अगर बॉर्डर पे हरकत करोगे तो हम आपको आर्थिक रूप से नेस्ता नाबूद करने की क्षमता रखते हैं, आपको घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है एक बड़ा बाज़ार है और इसी बाज़ार में चाइना के तमाम सामान जो हैं बिका करते हैं। इसीलिए इस मार्केट को पप्पू यादव ने एक संदेश देने के तौर पर यहां चुना है। सरकार क्या कारण है जवाब नहीं दे पा रही है, क्यों छुपा रही है, क्या छुपा रही है और क्यों 16 घंटे के बाद तक बात नहीं किया? तो प्लीज चाइनीज सामान ना बेच। मैं हाथ जोड़ता हूं अपने भाई लोगों से, पैर पकड़ के कहता हूं चाइनीज समाज का बहिष्कार करिए। मेरा आग्रह है, चाइना का 300 से ज्यादा सामान बेचती है। चाइना लगातार जिस तरीके से हरकत कर रही है, बिहार रेजिमेंट के साथ खूनी खेल खेला है, हमारे आत्मा पर चोट किया है, मेरे ही पैसे से हमें मारा जाता है। हमारे देश में कुछ दलाल हैं जो चाइना कॉन्ट्रैक्टर को बढ़ावा देते हैं और हमारी सरकार 16 घंटे के बाद चुप है और छिपा रही है कि कौन सी घटना घटी, कितने लोग मरे। इस कारण से हमने अपील किया है दुकानदारों से कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करें और उसको ना बेचें। बिल्कुल जारी रहेगा, कोई उसमें समझौता नहीं होगा। आप सुना है आपने पप्पू यादव का कहना है कि कहीं ना कहीं जो भारत सरकार है वो चीज़ों को छुपाने का काम कर रही है, वो सही चीज़ जनता को नहीं बता रही है और कई घंटे हो जाने के बावजूद वो लगातार जो है, खास करके पीएम के बारे में इनका कहना था कि वो चुप्पी साधे हुए हैं। पप्पू यादव ने ये भी कहा कि क्या जो भारत सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, जो 56 इंच का सीना दिखा रहे थे, क्या अब चाइना के खिलाफ एयर स्ट्राइक करके इन शहीद सैनिकों का बदला लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश के बारे में भी कहा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लद्दाख के गलावन घाटी में जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं उसी के विरोध में आज यहाँ पप्पू यादव जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, दुकानों में जा कर के गुजारिश कर रहे हैं कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करें ताकि चाइना को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जा सके, क्योंकि वो मेरे पैसे से ही हमारे ऊपर आक्रमण करता है। अगर आप चाइनीज सामान नहीं बेचेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति को, आर्थिक ताकत को नुकसान पहुंचेगा।